एक बड़ा सा बंगला चाहिए, ढेर सारी गाड़ियां चाहिए, ढेरों ढेर जेवर चाहिए। दिला सकते हो? तो मैं अचानक इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ गई? अचानक नहीं, बचपन से तरसती आ रही हूँ इन चीजों के लिए। लेकिन फिर ये किसी ऐसे शख्स की किस्मत बन जाती है जिसको इन चीजों की जरूरत भी नहीं। अच्छा यार, तुम लोगों से ज्यादा जेलस नहीं हुआ करो, तुम्हें सूट नहीं करता। तुम्हारे पास जो है उनमें से किसी के पास भी नहीं। बलावा देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की। ऐसा भी क्या हो गया? कुछ नहीं। तुमने अपने पेरेंट्स से बात की? एक दफा पापा कनाडा से आ जाएं, फिर बात छेड़ूंगा। Obviously, once I'm done with this degree. देखो शाह, इरा का रिश्ता इस शहर के सबसे रईस खानदान में हुआ है और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा रिश्ता भी ऐसी किसी खानदान में हो। तो तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो, वरना फिर बाद में मुझसे शिकायत मत करना। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर डिसाइड कि हम शादी एक दूसरे से करेंगे। फिर तुम्हें वो हर चीज करनी होगी जो इरा के ससुराल वाले कर रहे हैं। मंजूर है तो बताओ। मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला है मेरी खातिर, बताओ हाँ या ना। If that's what you want, then that's what you get. ये अचानक से बैंक अकाउंट कहाँ से आ गया? पहले तो आपने कभी नहीं बताया इसका। अरे बेटा, तुम्हारा बाप मुराद अली तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और उसने मखसूस रकम फिक्स डिपॉजिट में जमा कराई थी तुम्हारी शादी के लिए। इसलिए कि जब तुम्हारी शादी हो तो तुम्हें कोई कमी महसूस ना हो। अबू ने वाकई रकम मेरे लिए रखवाई थी। मेरा बेटी, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, उसका बस चलता तो पता नहीं क्या कुछ कर बैठता। जमाने की संगदली की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गया था, बस चला गया। अब्बू को बहुत फिक्र थी ना मेरी चाचा जान। बैंक चलते हैं।